Don't forget to use the coupon code, that is MAN10. You would get special 10% discount on all the courses. वेलकम टू मंदहान एकेडमी। अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही कंटिन्यूएशन है, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ये चारों टॉपिक हम इस क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। देर आर टू मेथड टू सॉल्व इट। सो द फर्स्ट मेथड इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो वी विल लर्न द मेथड बाई यूजिंग द क्वेश्चन, ओके। So first of all, step number one is find f dash of x. तो मुझे बताओ f dash of x क्या आएगा? इधर जाएगा 3 × 6 x² − 42x, ठीक है, plus 36. Step number two है f dash of x is equal to 0 रख दो। So basically 6 x² − 42x प्लस 32 प्लस 36 को जीरो से इक्वेट किया, 6 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 6 × 7 = 6, 6 × 6 = 6, फैक्टराइज करो। सो x की एक्चुअली दो वैल्यू आ चुकी हैं, x1 आ रहा है 6, x2 आ रहा है 1, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने की स्टेप नंबर वन है एफ डैश ऑफ एक्स ढूंढो, स्टेप नंबर टू है एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो से कंपेयर करो, आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं कि स्टेप नंबर थ्री क्या है। स्टेप नंबर थ्री है एफ डैश डैश ऑफ एक्स ढूंढना, मींस डबल डेरिवेटिव। सो बेसिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 6 x² − 42x + 36, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 12 x − 42, ठीक है। स्टेप नंबर फोर क्या है? स्टेप नंबर फोर है पुट x1 एंड x2 इन एफ डैश डैश ऑफ एक्स। एफ डैश डैश ऑफ एक्स में x1 और x2 रखो। दूसरी बात, एक रूल है, अगर एफ डैश डैश ऑफ x1 > 0 आया, मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर एफ डैश डैश ऑफ x2 < 0 आया, मतलब क्या, वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव मतलब मिनिमा एट पॉइंट, और नेगेटिव मतलब मैक्सिमा एट पॉइंट। मेमोरी ट्रिक इज व्हाट, पॉजिटिव लोग को मिनिमम प्रॉब्लम जाते हैं, नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम जाते हैं। सो दिस इज द मेमोरी ट्रिक। नाउ इफ वी विल कंटिन्यू टू स्टेप नंबर फोर, व्हेन आई विल पुट एफ डैश डैश ऑफ 6, सो ये क्या जाएगा 72 − 42 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x = 6 पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मींस एफ डैश डैश ऑफ 6 इज पॉजिटिव। सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन, यू कैन सी दैट 72 − 42 इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट मींस व्हेन इट इज अ पॉजिटिव नंबर दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस ये क्या आ जाएगा, मिनिमा। एट x = 6 इट इज मिनिमा। दूसरी बात देखो, एफ डैश डैश ऑफ 1 ढूंढो। So 1 × 12 = 12, 12 − 42 = −30. Can I say it is less than 0? So therefore x = 1. जो लोग नेगेटिव रहते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम जाते हैं, सो इट इज मैक्सिमम। सो 1 पे मैक्सिमा, 6 पे मिनिमम। अब जैसे कि अपने को बोला है क्वेश्चन में मैक्स वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, सो स्टेप नंबर 5 है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सी पे मिलेगी, सो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी। सो मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1, और उसको पुट करना है फंक्शन में। सो एफ ऑफ 1 ढूंढना पड़ेगा अपनों को। सो बेसिकली एफ ऑफ x क्या है, 2x³ 2x³
-21x² +36x -20। तो देखो बेसिकली एफ ऑफ एक्स है हमारा 2x³ -21x² +36x -20। सो मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मिलेगी, तो जब मैंने 1 रखा तो यहाँ पे मिलेगा 2 -21 +36 -20। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 36। देखो -21 -20 कितना आ रहा है, 2x³ -20। सो बेसिकली प्लस माइनस ठीक है, -41 +36 इज 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो -3 इज द आंसर, मैक्सिमम वैल्यू इज -3। मिनिमम वैल्यू पता है कहाँ पे मिलेगी, एट एक्स इक्वल टू 6 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहीं पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, एफ ऑफ 6 क्या आएगा, एफ ऑफ 6 क्या आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक, एफ ऑफ 6 क्या आएगा, देखो 6 का क्यूब लिखना पड़ेगा इंटू 2, है ना, तो इट्स अ क्वाइट बिग वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू आप निकाल लोगे आई गेस 6 पे, तो 6 रख के आपको कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स में 6 आप रख दीजिए, फिर मुझे बताइए आंसर क्या है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो फाइनल आंसर इज -128। सो एक बार स्टेप सारी रिवाइज करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। स्टेप नंबर 1 में है डेरिवेटिव ढूंढना, स्टेप नंबर 2 में है डेरिवेटिव इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 3 में है यस यू आर राइट डबल डेरिवेटिव लेना, स्टेप नंबर 4 में है जो x1 और x2 अपने को पहले मिल चुके हैं उनको डबल डेरिवेटिव में रखना। पॉजिटिव आया तो मिनिमम प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेगेटिव आया तो मैक्सिमम प्रॉब्लम। सो पॉजिटिव मींस मिनी, नेगेटिव मींस मैक्सी, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव में 6 रखा, डबल डेरिवेटिव में 1 रखा, पॉजिटिव आया मिनी, नेगेटिव आया मैक्सी। तो 6 पे मिनी, 1 पे मैक्सी, 6 पे मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली है -128, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू। एंड यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं वो कहां पे निकालते हैं, इट इज ऑलवेज फॉर अ फंक्शन। समझ में आ रही है बात, फंक्शन पे ही, मैं डार्क कर रहा हूं थोड़ा सा इसको, एक फंक्शन पे ही सिर्फ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, डेरिवेटिव में भी नहीं, डबल डेरिवेटिव भी नहीं। तो चलो एक बार स्टेप्स आप बोलते जाओ, स्टेप नंबर 1 टेक डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 2 टेक डेरिवेटिव इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 3 टेक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मींस डबल डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 4 पुट x1 एंड x2 इन डबल डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 5 मैक्सिमम वैल्यू एट फंक्शंस में x1 और x2 डाला, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, काइंडली हैव अ नोट ऑफ इट। लेट्स हैव अ लुक एट मैक्सिमा एंड मिनिमा
मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज व्हेन एफ ऑफ एक्स इज गिवन दिस एंड वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. देखिए प्रीवियस मेथड वॉज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट विच इन्वॉल्व टेकिंग डेरिवेटिव टू टाइम. दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इट इन्वॉल्व टेकिंग डेरिवेटिव ओनली वन टाइम. सो स्टेप नंबर वन इज टेक एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. स्टेप नंबर टू, एफ डैश डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन दिस इज इक्वल टू जीरो, और फैक्टराइज किया तो ये आ गया. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो किया वही फर्स्ट डेरिवेटिव में दोनों स्टेप में किया, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव वो फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो लेना और फैक्टराइज करना था. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ डिफरेंट होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. व्हेन आई गॉट एक्स वन इक्वल टू सिक्स, सो लेट्स से एक्स वन इक्वल टू सिक्स, सो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ये आया है, ठीक है. नाउ व्हेन यू फर्दर सिंप्लीफाई इट, आई गॉट समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली, बट इफ यू राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म यू वुड गेट द करेक्ट आंसर. सो डेफिनेटली हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड ढूंढ रहे हैं. सो बेसिकली व्हेन एवर यू आर चेकिंग डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सिक्स, देखो एक्स वन इक्वल टू सिक्स आया है ना, तो सपोज कर लो इन अ ग्राफ देर इज अ वैल्यू सिक्स, ओके लेट से ओवर हेयर, ठीक है, इस जगह पे सिक्स है, तो सिक्स प्लस एच करूंगा तो फंक्शन नीचे गिर रहा है, और सिक्स माइनस एच करूंगा, सिक्स प्लस एच करूंगा तो फंक्शन नीचे गिर रहा है, सिक्स प्लस एच करूंगा तो फंक्शन इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. तो इस तरीके से हम फंक्शन का मोड डिफाइन करेंगे. लेट से मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है, लेट से लाइक दिस, ठीक है. तो बेसिकली सिक्स पे वो स्टेबल हो गया है, बट व्हेन यू डू सिक्स प्लस एच, सपोज कर लो सिक्स प्लस एच किया तो वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है. एंड व्हेन यू डू सिक्स माइनस एच, वो कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है. सो इस तरीके से हम नेबरहुड में चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है. और एक और चीज बता दूं मैं, ठीक है, ग्राफ में बेसिकली वी आर अनेबल टू डिफाइन इट, बट व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक कि चलो हम सिक्स के नेबरहुड में डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, लेट्स से दिस, ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और इधर सिक्स है, ओके. सो सिक्स प्लस एच अगर अपन करेंगे, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, और सिक्स माइनस एच करेंगे अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है कि देखो सिक्स से जब हम आगे गए वो नीचे गिर रहा है, सिक्स से हम पीछे गए तो वो ऊपर आ रहा है, तो इसका एक सेंस बनता है. बट उसके पहले इसको चेक करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज प्रैक्टिकल मेथड, दैट इज डेरिवेटिव मेथड. सो